दोस्तों इस तरीके के कनेक्शन से किसी भी बैटरी को आप घर पर चार्ज कर सकते हैं, चाहे छोटी बैटरी हो, चाहे बड़ी हो, मोटरसाइकिल की हो या ट्रैक्टर की हो, पिकअप की, किसी भी तरह की बैटरी हो उससे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चार्जर सिस्टम सिर्फ किसान टॉर्च की बैटरी का ही नहीं, मोटरसाइकिल की बैटरी का भी है दोस्तों। जैसे ही हमने इसके अंदर घर की लाइट है, ये सप्लाई चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो, इससे बैटरी चार्ज हो रही है। 12 वोल्ट डीसी करंट में आ रहा है करंट, ठीक है, 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट बैटरी को ये चार्ज कर सकता है। ठीक है, अब इस 12 वोल्ट की बैटरी को बड़े एचपी में चार्ज करनी है, 35 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर तक की बैटरी को चार्ज करना है, 90 एम्पियर तक की को टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर होगा, इससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम होगा, बैटरी का कनेक्शन चार्जर सिस्टम का सेम होगा इस तरीके से। डाइवर्ट छोटी बैटरी है तो छोटा डाइवर्ट है, ये बड़ी बैटरी होगी तो बड़ा डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों, ये वाला बल्ब है, ये 12 वोल्ट का बल्ब है। अब हम इससे चलाएंगे तो चार्जर से चल जाएगा ये 12 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप घर पर किसी भी तरह की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बड़ी वाली बैटरी चार्ज करनी है तो बड़ी बैटरी के लिए थोड़ा सा बड़ा वाला डाइवर्ट इस तरीके का आता है। ये इलेक्ट्रिक दुकान पर कहीं पर भी मिल जाएगा, सिर्फ 5-10 रुपये का डाइवर्ट होता है, छोटा वाला 2 रुपये का आता है और ये बड़ा वाला 10 रुपये या 5 रुपये के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बैटरी चार्जर के ट्रांसफार्मर के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये एक बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, एलिमीटर भी बोलते हैं इसको, छोटा वाला है जिससे थोड़ा सा मीडियम में ये है, सबसे छोटा ये है। तो दोस्तों आप 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, किसान टॉर्च वाली आती हैं सस्ती वाली, तो दोस्तों वैसे तो सभी से किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन छोटी बैटरी है तो उसको फास्ट चार्ज करने के लिए बड़ा वाला ट्रांसफार्मर होना चाहिए, ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप वैन और मारुति ट्रैक्टर की बैटरी अगर चार्ज करना चाहते हैं तो इस टाइप के बैटरी का ट्रांसफार्मर ले लेना है, इससे चार्ज कर सकते हैं। छोटी वाली बैटरी चार्ज करनी है जैसे इस साइज़ की है 6 वोल्ट तक की, तो इससे भी आप कर सकते हैं। इससे मोटरसाइकिल की बैटरी है थोड़ी सी बड़ी साइज़ की, इससे चार्ज कर सकते हैं। सबका चार्ज करने का वीडियो और प्रोसेसर सब सेम रहेगा, लेकिन साइज बड़ी होगी तो इन्वर्टर की बैटरी, सॉरी गाइस, साइज बड़ी है ट्रांसफार्मर की तो बड़ी बैटरी को चार्ज आसानी से कर पाएगा, छोटी है तो छोटी साइज की बैटरी को आसानी से चार्ज कर पाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी वीडियो कैसे हैं, काम वीडियो से आपको चार्जर बनाना सिखाते हैं और सबसे सस्ता वाला चार्जर हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे तो, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं बैटरी चार्जर बनाना। ठीक है, आप देख रहे हैं एलिमीटर है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, एलिमीटर भी बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एक साइड के अंदर 2 वायर हैं, ये देख सकते हो, एक साइड के अंदर रेड कलर के 2 वायर हैं, कलर कोड कौन सा भी आ सकता है, और एक साइड के अंदर 3 वायर हैं जिसके अंदर 2 ब्लू है, एक येलो है और एक साइड में 2 रेड है। तो दोस्तों मैं रेड के बारे में बता देता हूँ, ये 2 रेड कलर के वायर हैं, ये तो हमारा जो मेन सप्लाई का होगा, जो घर की लाइट आती है 220 वोल्ट है ना, वो वाला वायर इसके अंदर हम जोड़ेंगे। ठीक है, जब बैटरी चार्जर का कनेक्शन होता है तब ये इधर का 3 वायर के अंदर कनेक्शन होएगा, यही मेन वायर है जिससे हम बैटरी को कनेक्शन करेंगे चार्जिंग का। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे डायोड लगाना है, कैसे इंडिकेटर लगाना है, कौन सा वायर प्लस होगा, कौन सा वायर माइनस होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ये तो नॉर्मल है, कॉमन वायर है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको, सबसे पहले ये अभी हमने कोयल लगा रखा है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इस वायर के अंदर आपको मेन वायर जोड़ लेना है। ठीक है, तो एक वायर का टुकड़ा मैंने इसलिए लिया है ताकि सप्लाई लगाने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस वायर को हमने सबसे पहले इसको जोड़ लेना है, दूसरा वायर भी इसके अंदर जोड़ लेना है। ठीक है, कौन सा भी वायर जोड़ सकते हैं, कलर वलर, चाहे ब्लैक इसमें जोड़ो चाहे रेड इसमें जोड़ो, कोई सेम है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर टेपिंग कर लेनी है दोनों को,
मैं कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेन वायर के अंदर हमने इस तरीके से टेपिंग कर दी है। ये वायर हम सप्लाई के अंदर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तीन वायर बचे हुए हैं, अब इसके अंदर मेन कनेक्शन करना है, वो ध्यान से देखिए। तो इस तरीके का दो डाइवर्ट लेना है, ये आप देख सकते हो इस तरीके का। अब ये डाइवर्ट देख रहे हैं जिसके दोनों इस टाइप का छोटा वाला डाइवर्ट है, ठीक है। इस डाइवर्ट के ऊपर अभी इसके अंदर वाइट वाइट पट्टी नज़र नहीं आ रही, तो एक तरफ मुंह होता है जिसके तरफ थोड़ी सी पट्टी वाइट होती है, जिसका मुंह होता है पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, है ना। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। जो डाइवर्ट के अंदर इस तरफ पट्टी हो या इस तरफ वाइट कलर की पट्टी होती है उस मुँह को प्लस मानना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर इस तरफ वाइट पट्टी है, इसके अंदर भी इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे वाइट वाइट पट्टी को आपस में इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से कमाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से करने से ये हमारा प्लस पॉइंट हुआ। ये माइनस वाला मुंह है ये इधर का हो गया, माइनस वाला ये वाला माइनस का मुंह हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, ठीक है। तो अभी इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है डाइवर्ट को, और इसके बाद में हम यहाँ पर इसका सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सोल्डिंग कर दिया ताकि ये एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, अब इस वायर को हम जो ब्लू कलर का दो वायर देख रहे हैं उस वायर को हम एक डाइवर्ट के अंदर ऐसे जोड़ेंगे, और डाइवर्ट के दूसरे वाले पॉइंट के अंदर हम वायर के अंदर जोड़ेंगे ब्लू कलर का दूसरा वायर, ठीक है। इस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर का तीन वायर है जिसके अंदर दो ब्लू कलर के वायर हैं उस वायर को इस तरीके से जोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पर हम वायर से सोल्डिंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और बच्चा हमारा ये येलो कलर का वायर जो हमारा माइनस होगा, ठीक है। अब हम एक इंडिकेटर इसके अंदर और लगाएंगे, ठीक। इंडिकेटर का एक वायर तो हम लगाएंगे येलो कलर के अंदर, इसके अंदर ये हमने इस पर यहाँ पर येलो कलर के अंदर लगा दिया। दूसरा वाला वायर लगाएंगे, जो आप इसको ध्यान से देखना, दूसरे वाले वायर लगेगा दूसरा वाला इसके अंदर। तो हम आगे जो ये डाइवर्ट होता है ना, ये डाइवर्ट के आगे वाले पॉइंट में नहीं लगाना है, पीछे वाले डाइवर्ट के पॉइंट में लगाना है इस जगह पर, चाहे एक वायर में जोड़ना है, इसके अंदर जोड़ो या फिर इसके अंदर जोड़ो, किसी भी में एक वायर को यहाँ पर जोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। डाइवर्ट के ऊपर वाली साइड में जोड़ना है या नीचे नहीं जोड़ना है, नीचे जोड़ोगे तो डायरेक्ट लाइट चलेगी, चार्जर वाला सिस्टम नहीं बताएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है, ठीक है। तो अभी हमने जोड़ दिए हैं और अब हम इसको वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे ताकि इसकी सप्लाई अच्छे से काम करेगी। ये हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पर कर दिया इसको सोल्डिंग, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया माइनस वाला, जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये वाला हमारा माइनस वाला जो मतलब अर्थिंग का हो गया, और ये हमारा हो गया प्लस वाला। तो प्लस का वायर हम यहाँ नीचे की साइड में यहाँ पर लगाना है। तो जो डाइवर्ट बताए थे मैंने इस तरीके का डाइवर्ट, एक तरफ मुँह सफ़ेद होता है, एक तरफ नहीं होता है, ब्लैक ही होता है। तो इधर का जो सफ़ेद मुँह होता है वो पॉजिटिव, इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ा है। इस तरीके से जोड़ने के बाद में हम इसको एक साइड कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका मेन वायर लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों, डायरेक्ट सप्लाई के अंदर इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर की LED लाइट जल जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों।
अब ये देख सकते हो इस तरीके से एलईडी लाइट जल रही है। इसकी सप्लाई अब हमारे पास बैटरी वाली चार्जर की सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये हमारा बैटरी का अर्थिंग में लगेगा और ये हमारा प्लस में लगेगा बैटरी के अंदर, ठीक है ठीक है। और ये बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है तो इससे एलईडी से पता चल जाएगा बैटरी चार्ज हो रही है। तो अब हम इसको, जैसे हमारे पास ये एक बैटरी है, ये भी 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका अर्थिंग वाला तो लगाएंगे हम इसके अंदर माइनस के अंदर, ठीक है, और प्लस वाला लगाएंगे दोस्तों और अर्थिंग वाला है ये हमारा येलो कलर का, जो हम इसके अंदर माइनस के अंदर बैटरी के अंदर जोड़ देंगे ब्लैक वाले में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर दिया है और ये हमारा हो गया बैटरी चार्जर, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा बैटरी चार्जर हो गया। अभी ये बैटरी चार्जर सिस्टम बन चुका है कंप्लीट तरीके से और अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये एलईडी लाइट नहीं जल रही है जबकि हम बैटरी के अंदर वायर लगा रखे हैं फिर भी लाइट नहीं चल रही है, जबकि बैटरी के अंदर करंट है अभी और हम जैसे ही इसके अंदर इसको लगाएंगे प्लग के। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर देख सकते हो पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, जो बैटरी चार्जर वाला सिस्टम हो गया और अब हम इसको चार्ज करेंगे। ये बैटरी का वायर इसमें लगा हुआ है, हमने ये येलो कलर को तो बैटरी के मतलब माइनस के अंदर दिया है, ब्लैक कलर का पॉइंट में दोनों ही ब्लू कलर के जो वायर हैं ये हमारा प्लस वाला वायर है जो डायोड के इस तरफ दोनों को कमांड करके प्लस के अंदर दे रखा है। इंडिकेटर का एक वायर है जो हम डायरेक्ट प्लस के अंदर माइनस के अंदर, दूसरा वाला वायर हम डायोड के ऊपर वाले साइड में देना है ऊपर और इस तरफ, निचले वाले हिस्से में नहीं देना है ताकि वरना इंडिकेटर डायरेक्ट चलता रहेगा। तो अब हम इसको चार्ज करेंगे, हम बैटरी के अंदर लगा रहे हैं, ये देख सकते हो दोस्तों हमने बैटरी के अंदर यहाँ पर लगाया है और ये लाइट जल रही है। ये लाइट इसलिए जल रही है कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तभी ये चल रही है, ठीक है, और इसको बंद करने के बाद में ये लाइट बंद हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी इस थोड़ी सी मेहनत से आपको कुछ सीखने को मिला, और सीखना मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं किस टॉपिक का और वीडियो चाहिए, कौन कौन सा वीडियो बनाना है, वो आइडिया आप हमें देते रहिए और हम वीडियो बनाकर आपको शेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लाइक ज़रूर करके जाइए।